सो हेलो गाइज, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि UK07 राइडर न्यू बाइक्स सेल एंड परचेज करते रहते हैं, और वहीं पर MP04 राइडर, UK07 राइडर और LV यादव के साथ कॉन्ट्रोवर्सीज करके फेम पाने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर MP04 राइडर फिर से UK07 राइडर को बोले कि जितने ही बाइक लेके आते हैं सभी रेंट पर लेके आते हैं, परचेज कर नहीं लेके आते। पहले ही बोला था अभी H2 बिक रही है, उसके बाद डुगाटी का नंबर आएगा, उसके बाद फिर इसकी GS का नंबर आएगा, इसका पूरा घर बिक जाएगा क्योंकि सब भाड़े पे लेके आता है, चूतिया बनाता है पब्लिक को। जाके देख लो वीडियो, बेच रहा है H2, मेरे पास बिकने के लिए आई थी, मैंने बोला नहीं ली, मेरे को नहीं चाहिए थी टंडी ली गाड़ी, मेरे को जहाँ थूकता हूँ वहाँ मैं चाटता नहीं, जैसे ये चाटता है ना वैसे मैं नहीं चाटता, मैं नई बाइक उठाता हूँ, सामने गाड़ी है टेनार मेरी, तो बाप बाप ही होता है, कुत्ता कुत्ता ही होता है। वैसे गाइस, आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहते हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस, आप लोगों को पता होगा कि LV यादव ने रिसेंटली परमीश वर्मा के साथ एक ड्रैग रेस करी थी, और वहां पर LV यादव ड्रैग रेस जीत भी गए थे, और उसके बाद LV यादव ने UK07 राइडर को ड्रैग रेस का चैलेंज दिया था, उसके बाद LV यादव जीत भी गए थे। तो अपने कल वाले ब्लॉग में UK07 राइडर ने ड्रैग रेस के बारे में रिएक्ट करते हुए कहा कि अगर मैं फ्यूचर में कोई सुपर कार लूंगा तो LV यादव को जरूर हराऊंगा। एक्चुअली गाइस, मैं ड्रैग रेस प्रैक्टिस कर रहा हूं बिकॉज LV भाई से ना फ्यूचर में एक बारी रेस जीती है मैंने, एक दिन मैं कैसे सुपर कार लेकर के आऊंगा, मुझे पता है लोग ये वाली क्लिप ना संभाल के रखना, एक दिन फ्यूचर में मैं एक ऐसी कार लेकर के आऊंगा जिससे मैं एलविश भाई को ड्रैग रेस में हरा और फिर गाइस मैं इस पूरे ब्रह्मांड पे राज कर लूंगा। जस्ट किडिंग गाइस, एलविश भाई भी अपने भाई यार। एंड मैं आपको बता देता हूँ, हमारी जो जनरेशन है ना यूट्यूबर्स की, वो ऐसी है कि नो पूरी कम्युनिटी साथ मिलकर के ग्रो करती है, अच्छा लगता है ऐसे कोलैबोरेशंस करने में, सामने वाली जनता को भी मजा आता है, अपने वाली जनता को भी मजा आता है। लाइक जो वेव ऑफ यूट्यूब हम लोग लेकर के आ रहे हैं ना, आई फील प्राउड कि भाई सब लोग इतने अच्छे हैं, आराम से कोलैबोरेट करते हैं और कोलैबोरेशन के बाद एक्सपोज नहीं करते हैं। तो दोस्तों, बस आज के लिए बस इतना ही अपडेट था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।